ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुमरा के बाईपास के निकट दानिश चाल में कल हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला अपने रूम से बाहर निकली दुकान पर सामान लेने के लिए, तो दानिश चाल में बारिश का पानी जमा था जिससे फिसल कर गिर गई, जहां महिला को गंभीर चोट आई है और उसके पूरे चाली में उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हम आपको बता दें, दानिश चाल 33 नंबर वार्ड में आता है और इस वार्ड में 4 नगर सेवक है, यानी 2 नगर सेविका 2 नगर सेवक, कुल मिलाकर 4 नगर सेवक हैं। यहाँ पर किसी की ध्यान नहीं गया। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो दानिश चाल में किस तरह का पानी भरा है। दानिश चाल के लोग काफ़ी परेशान हैं, किस तरह से लोग आते और जाते हैं। यही नहीं बल्कि गटर के हालात की अगर हम बात करें तो कई गटर जिनके ढक्कन खुला हुआ है, यहाँ के लोग भी खतरे से खाली नहीं हैं। देखिए ये तस्वीर है गटर के, ये खुले हुए गटर मौत को दावत दे रहे हैं। जानते हैं दानिश चाल के लोगों का क्या कहना है। हम लोग दोनों आ रहे थे तो यहाँ गिर गया, मेरा पूरा पैर छिल गया है, पूरा पैर छिल गया, मेरे बच्चे का भी पैर छिल गया है पूरा। ये क्या है, ये खाली देखते हैं और देख के चले जाते हैं। हाँ हो जाएगा, ये प्राइवेट है, ये इसमें है उसमें है करके चले जाते हैं। ये यदि हमारे पास नहीं है उसके पास नहीं, खाली इतना ही करते हैं सर। दानिश चाल में कितना पानी भरा है, हम लोग यही गंदगी में से रोज आते जाते हैं। हाँ ये नाला भर जाता है पूरा, भूगान का पानी हम लोग के घरों में आता है, मालूम आधी आधी रात को हम लोग को जमीन में से पानी निकलता है। कोई आने को तैयार नहीं है बेटा, इधर मेरा जवान बच्चा, दो बच्चे छोड़ के जवान बच्चा मेरा मरा, क्या ये डेंगू मलेरिया से। तो आपने सुना स्थानीय लोगों का क्या कहना है। प्रहार टाइम्स को लोगों ने इसकी शिकायत की थी। दानिश चाल की तस्वीर काफी भयानक है, काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब तक 2 लोग गिर चुके हैं, यानी 2 लोग जख्मी हुए हैं। हम फिर आपको बता दें, ये इलाका मुमरा बाईपास के निकट दानिश चाल का है, जहां पर एक मस्जिद भी है, उस मस्जिद में भी पानी भर जाता है। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।